एग्जाम में स्वागत है गाइज। RRB NTPC की 10+2 मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल का, ग्रेजुएट लेवल की तो मैंने वीडियो आपको बता दी थी, पर अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो फटाफट से देख लीजिए कि आपके लिए क्या अपडेट है, कौन सी पोस्ट आपके लिए एलिजिबल है। नंबर वन, मैं आपकी डेट्स की बात बता दूँ, डेट्स 21 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, बट पेमेंट करने की 22 है होपफुली, है ना। और जो भी कुछ करेक्शन वगैरह खुलेगा तो उसके लिए 23 तारीख से लेकर 1 तारीख के बीच में, मतलब 1 नवंबर के बीच में आपको पोर्टल खुलेगा, आप उसमें कुछ करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, क्या करेक्शन कर सकते हो वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट, इसमें जो आपकी फ़ीस रहेगी वो 500 रुपये रहेगी जनरल OBC यानी EWS कैंडिडेट के लिए, और SC ST के लिए 250 रुपये रहेगी। होपफुली आपको 400 रुपये UR OBC एंड EWS को रिफंड हो जाएंगे अगर आप पहला CBT स्टेज में, पहला एग्ज़ाम जो होता है प्री एग्जामिनेशन, आप उसमें अपियर होते हो। ठीक है, और जो SC ST एंड PH और फीमेल के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो उनके लिए 250 to 250 सारे रिफंड हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पेमेंट करने का ऑप्शन और रिटर्न करने का ऑप्शन, उसमें आपको बैंक डिटेल भरनी पड़ेगी, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, उसी में भरना, साइबर कैफे वाले की बैंक डिटेल ना भर देना, क्योंकि वो करेगा आपसे पैसे ले लेगा और फिर उसी के अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो फॉर्म भर रहा हो, है ना, उसी का ही अकाउंट हो, उसके फादर का अकाउंट हो सकता है, उसके ब्रदर का अकाउंट हो सकता है, कज़न का हो सकता है, एज एनी वन एज। ठीक है, नेक्स्ट बात कर सकते हैं, इसमें जो आपकी जो एज लिमिट रहेगी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 33 रहेगी, और कुछ पोस्ट के अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेबल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज, ठीक है, वो उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो आपकी एज कैलकुलेट आएगी वो अभी से नहीं, इस साल की किसी भी एक डेट से नहीं, अगले साल की 1 जनवरी 2025 से कैलकुलेट की जाएगी। तो होपफुली जो बच्चे अगले 6 महीने बाद, 4-5 महीने बाद जो 18+ हो जाएंगे, है ना, बताओ उनको 6 महीने पहले ही अगर उनकी एलिजिबिलिटी है, 10+2 है कहीं, है ना, और हो चुकी है, तो बताओ उनको कितना अच्छा मौका है, 6 महीने पहले ही उनको प्रिपेयर करके रेडी होने का मौका मिल रहा है। और जो 18 साल पे आकर किसी को अगर जॉब मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब क्लर्क लेवल की भी मिल रही है, मैं ये कह रहा हूँ, इसमें तो और अच्छी पोस्ट है, तो भाई एक बात बताऊँ, स्टार्टिंग तुम्हारी मतलब 28-29-30 से हो गई, तो सोचो 18 की एज पे आप 30,000 रुपये कमा रहे हो, मतलब एक गवर्नमेंट जॉब में लग चुके हो, तो आप एक बेल वर्स्ट, मतलब आगे चल के, मतलब और अच्छी पोस्टों के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हो। माइंडसेट मतलब थोड़ा सा एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी आ जाना एट द एज ऑफ 18। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपकी पोस्ट इसमें कौन कौन सी, इसमें जो कुल पोस्ट हैं, ग्रेजुएट की बात नहीं हो रही, इसमें अंडर ग्रेजुएट की बात हो रही है, मतलब 10+2 की बात हो रही है, वो जो दिमाग सुन लेना, 3,445 पोस्ट हैं। इसका ऑफिशियल नोटिस निकला था, इसमें एक पोस्ट थी 8,000 की समथिंग और एक पोस्ट थी 3,000 की समथिंग, है ना, तो मैंने दोनों पोस्टों को आपको बताया था। ठीक है, तो अब ये इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कि इसमें 4 तरीके की पोस्टें हैं, कॉमर्शियल कम टिकटर क्लर्क, ठीक है, ट्रेन क्लर्क, ठीक है, अकाउंट क्लर्क कम असिस्ट टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट। तो इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं वो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क क्लर्क में है, ठीक है, जो कि है कुल 2022, ये तो किसी की कोई सन लग रही है ना 2022 है, ठीक है, 2022 की वैकेंसी 2024 में आपको मिल गई है। ठीक है, 10+2, ठीक है, एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड सी, मतलब कहीं से भी आपने ऑल ओवर इंडिया से भी कहीं से भी 10+2 कर रखा हो। जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स चाहिए, और SC ST एंड PH कैंडिडेट के लिए केवल पास होना चाहिए, मतलब 33% होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम, ये मिनिमम है, कोई मैक्सिमम प्रायोरिटी नहीं है, पर एक चीज़ है, ये दोनों एलिजिबिलिटी ट्रेन क्लर्क और कॉमर्शियल कम टिकटर क्लर्क के लिए है। ठीक है, ट्रेन क्लर्क की भी वैकेंसी 72 है और सेम एलिजिबिलिटी है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसमें जो अकाउंट वाले में आपकी 361 वैकेंसी हैं और जूनियर क्लर्क वाले में 990 वैकेंसी हैं। वैकेंसी बहुत अच्छी हैं भाई, छोड़ना नहीं मौका। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें जो भी एलिजिबिलिटी है 10+2 ही है। ठीक है, तो ये सही बताऊँ, सबसे अच्छा मौका किन के लिए है, जिनकी एज 18 के नियर अबाउट है या अभी 1 जनवरी को 18 होने वाली है। ठीक है, होपफुली भाई जिनका भी 1 जनवरी को बर्थडे है, कमेंट बॉक्स में लिख देना कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, जो भी 18 का 1 जनवरी को होने वाला है। ठीक है, 19 का भी होने वाला, उसके भी कोई दिक्कत नहीं है, 19, 20, 21, 22, 30 तक तो है ना मैक्सिमम, 30-33, ठीक, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं एक 18 वाला सोचो, एक बंदा 18 पे लगेगा, एक बंदा 30-35-33 वाला बंदा, कितने साल का डिफरेंस हो गया, 12-3-15 साल का डिफरेंस, सोचो इतने में तो उसका बच्चा हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी जो इसमें भी जो एलिजिबिलिटी है 50% मार्क्स है जनरल OBC के लिए एंड SC ST के लिए, PH के लिए
केवल पास है। बट इसमें एक चीज़ ऐड है, कंप्यूटर टाइपिंग, जो कि इंग्लिश के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी के लिए आप देख सकते हैं 25 वर्ड्स पर मिनट। तो बस मैं यहीं को नोटिफिकेशन को, मतलब यही आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन है। और इसमें जो भी नीचे अब आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी है जोन वाइज डिवाइड है, तो मैं आपको एक समरी दे देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर कट हो जाएगा कि हमें किस जोन से, क्योंकि किस जोन से कितनी है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कैरेक्टराइज है, ठीक है, पोस्ट वाइज। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, जैसे कि वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको किस जोन से भरना है। पहले मैं आपको एक ओवरऑल बता देता हूँ कि जैसे कि अहमदाबाद में 210 हैं, ठीक, और अजमेर में 71, बेंगलुरु में 60, भोपाल में 58, भुवनेश्वर में 56, बिलासपुर में 152, चंडीगढ़ में 247, सबसे ज़्यादा अभी चंडीगढ़ में ही मुझे मिली, ठीक है, 247, चेन्नई में 194, गोरखपुर में 120, गुवाहाटी में है 13 वैकेंसी कुल, ठीक है, नहीं सॉरी 175 वैकेंसी है, ये थोड़ा सा मिस है यहाँ पे, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में है एंड श्रीनगर में है 147, कोलकाता में 452, सबसे ज़्यादा कोलकाता में, नहीं, सबसे ज़्यादा है मुंबई में, ठीक है, मालदा में है 12, ठीक, मुंबई में है 699 भाई, अच्छी खासी वैकेंसी है। मुजफ्फरपुर में 68, ठीक है, प्रयागराज में 389, बट यूपी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थोड़ा सा कम लगता है, वैसे और कुछ भी नहीं, ठीक है। पटना में 16, क्योंकि बिहार बिहार वाले भी और जो भी मतलब हिंदी रीजन्स जितने भी हैं वो सब इधर ही डालेंगे आसपास, जैसे राजस्थान हुआ, भाई अजमेर में है वैकेंसी अच्छी खासी, बट एज द पर्सन परसेप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि रांची, रांची में हुए 76, ठीक है, सिकंदराबाद में है 89 वैकेंसी एंड सिलीगुड़ी में है 42 एंड त्रिवेंद्रपुरम, ठीक है, यहाँ पे हैं 112 वैकेंसी। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं मुंबई में और सबसे कम वैकेंसी हैं मालदा में। तो गाइस कुछ इस तरीके का आपका सिनेरियो है, कंप्लीट नोटिफिकेशन मैंने आपको डिस्कस कर दिया, जोन वाइज पर्टिकुलर पोस्ट पे कौन सी वैकेंसी है। होपफुली देखो 10+2 सभी के पास होगा, ठीक है, दोनों के पास ही होगा क्योंकि दोनों की एलिजिबिलिटी 10+2 हुई है, ठीक है, 50% मार्क्स होपफुली सभी के पास होंगे, मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक, केवल जो नीचे वाली जो पोस्ट हैं, दो पोस्ट हैं, उसमें क्या मांगा गया है, टाइपिंग मांगी गई है 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश एंड 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी। तो इन माई परसेप्शन तो जो भी पर्सन भरे उनको सभी पोस्टों में भरना चाहिए। दूसरी बात है, अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस आज से शुरू कर दो, अगर आज से ही रोज़ आधा घंटा दोगे, एक घंटा दे दोगे ना, तो जब तक टाइपिंग का टेस्ट का नंबर आएगा ना, तब तक आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी हो चुकी होगी। क्या करना है, अगर आपके पास घर में लैपटॉप है या फ़ोन है, तो फ़ोन में USB ड्राइव होती है, उसे कनेक्ट करके सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ऐप्स आती हैं, है ना, कीबोर्ड एक ले लेना, 100-200 रुपये का कीबोर्ड हो जाएगा बड़े मस्त से, है ना, कीबोर्ड को यूज़ करना, बस टाइपिंग वाला सॉफ्टवेयर ऑन करके अपना काम चालू कर देना, दैट्स इट, ठीक है, बहुत सिंपल है। क्योंकि देखो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे होगे, वो भी आप फ़ोन पे ही देख रहे होगे, है ना, तो फ़ोन होगा, अगर लैपी है तो और बढ़िया है, पर मैं एक चीज़ कहूँगा लैपी वालों से भी, ठीक है, आप प्लीज़ अपना लैपी का यूज़ मत करना टाइपिंग को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, आप कीबोर्ड ले लेना एडिशनल, क्योंकि ऐसा होता है जो हमारी जो लैपटॉप की जो कीबोर्ड होता है ना, वो दैट्स टू बी डूइंग फॉर द सॉफ्ट वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क के लिए नहीं होगा, क्योंकि एज माई परसेप्शन मैं यूज़ नहीं करता, मैं टाइपिंग के लिए यूज़ करता हूँ, एक्सटर्नल यूज़ करता हूँ, ठीक है, वो मेरा ख़राब हो जाता है, मैं ये नहीं कहता 6 महीने में 8 महीने में ख़राब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं 200 रुपये का, पर उसका अगर एक बटन ख़राब हो गया ना, तो पूरा पैनल चेंज होता है, और पूरा पैनल कितने का पड़ता है ना इतने की तो उसकी रीसेल वैल्यू नहीं है अभी करंटली, ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ यार, ठीक है, लोकल की बात नहीं कर रहा, तो दैट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन यू, बट मैं ये कहूँगा कि आप एक्सटर्नल कीबोर्ड ले लीजिएगा, ठीक है, और उससे यूज़ करिएगा, अपना काम कीजिएगा। तो बस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, और भी कुछ आपको इसके नोटिफिकेशन में आपकी सैलरी या ग्रेड पे क्या रहेगा, ठीक है, आपकी कितनी मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी रहेगी, इन हैंड सैलरी आपकी कितनी मिलेगी, आपको पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिल सकती है, ट्रांसफर्स के इश्यूज़ क्या हैं, और भी जो भी अपडेट आएगी, ठीक है, नोटिस आ गया है आपका, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।